लेकिन अब आपको एक अपडेट दे दें, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस शनिवार तक इजराइल अपने कदम आगे बढ़ा सकता है कल। लेकिन जैसे जैसे इजराइल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ रही है। हमास और हिजबुल्ला ने तो इजराइल के खात्मे की कसम खाई है। एक और देश की एंट्री हो गई, यमन से ऑपरेट करने वाले विद्रोही संगठन हूती ने भी एंट्री मार ली है। मतलब एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरी तरफ आतंकवादियों का गठबंधन हो गया, हमास प्लस हिजबुल्ला प्लस हूती। देखिए रिपोर्ट। प्लस हिजबुल्ला प्लस हूती वर्सेस इजराइल। इजराइल के खिलाफ आतंक का गठबंधन, इजराइल हमास युद्ध में ईरान की सीक्रेट वॉर। घर में घुसकर मारेगा इजराइल। הקרב יהיה קרב ממושך, הקרב יהיה קרב קשה, אנחנו נהיה מדויקים, חדים, קטלניים, אבל יהיו מחירים. אנחנו נשלם מחירים ואנחנו נמשיך עד שנבצע את המשימה במלואה. 14 दिन से जारी इजराइल और हमास के जंग ने वेस्ट एशिया में कई समीकरण बदल दिए हैं। 7 अक्टूबर को पहले फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इजराइल ने गाजा पर हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू की, तो एक दूसरे चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने भी हमास की मदद के लिए इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। लेकिन अब इस जंग में एक और किरदार की भी एंट्री हो गई है, वो है हूती विद्रोही। यानी अब इजराइल एक साथ ट्रिपल एच का अटैक झेल रहा है। कैसे, आपको समझाते हैं। इस जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर को हमास ने की, इजराइल ने हमास पर कार्रवाई की तो हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। इसके बाद जब इजराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले किए तो अब हूती विद्रोही भी इस जंग में कूद पड़े हैं। यानी अब इजराइल वेस्ट एशिया के 3 बड़े आतंकी संगठनों के खिलाफ जंग लड़ रहा है, और इस सब में एक कॉमन फैक्टर है कि इन तीनों ही चरमपंथी संगठनों को एक ही देश हथियार और पैसे से फंड करता है, और वो देश है ईरान। यानी एक तरह से ये जंग इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं। सीधा सा मतलब है कि इजराइल के खिलाफ एक नहीं बल्कि नए नए वॉर फ्रंट खुलते जा रहे हैं। हम आपको ये तो बता चुके हैं कि इजराइल के खिलाफ कितने चरमपंथी गुट हैं। आइए अब आपको ये भी बता दें कि इजराइल पर के चरमपंथी गुट किन देशों से हमले कर रहे हैं। इजराइल हमास की जंग में अब 4 देश शामिल हो चुके हैं, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान और यमन। हमास गाजा से ऑपरेट करता है, वहीं उसके सैन्य ठिकाने भी हैं जहां से वो इजराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्ला लेबनान से ऑपरेट करता है और अपने सैन्य अड्डों से वो इजराइल पर हमले कर रहा है। हूती विद्रोही यमन से ऑपरेट कर रहे हैं और वहीं से उन्होंने इजराइल पर ड्रोन अटैक और 3 मिसाइलें दागी थी। इन मिसाइलों को लाल सागर में खड़े अमेरिकी युद्धपोत USS कॉर्नी ने इंटरसेप्ट किया, एक एक कर तीनों मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। और आप ये भी जान लीजिए कि अचानक हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला क्यों कर दिया, तो इसकी सबसे बड़ी और इकलौती वजह है ईरान। दरअसल हूती पश्चिमी एशिया के देश यमन का एक विद्रोही गुट है। यमन के एक तिहाई इलाके पर हूतियों का कब्जा है। हूती विद्रोहियों में ज्यादातर शिया समुदाय के लोग हैं। ईरान हूती विद्रोहियों की मदद करता है। हूती विद्रोहियों के पास 1,80,000 से लेकर 2,00,000 की सेना है। हूती विद्रोहियों को ईरान हथियार और पैसे से मदद करता है।
हूथी विद्रोहियों का इसराइल पर हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इसराइल का खात्मा कर देने का ऐलान किया था। अब इस चीज को समझिए कि कैसे इसराइल का सामना अब एक नहीं तीन तीन आतंकवादी संगठनों से, आतंक का गठबंधन हो गया इसराइल के साथ, सारे आतंकवादी मिल गए। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। फ्रांस ने तो अपने देश में फिलिस्तीन के समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों पर ही रोक लगा दी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, तुलना करिए भारत से, वहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों पर बैन, प्रतिबंध, रोक। फ्रांस में अब ऐसे प्रदर्शनों में शामिल होना गैर कानूनी है। फ्रांस की अदालत भी फिलिस्तीन के समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों पर बैन को काफी हद तक जायज ठहरा चुकी है। हालांकि प्रतिबंध के बावजूद ये तस्वीरें देखिए आप, पेरिस में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली आयोजित की गई, लेकिन अब वहां की पुलिस के पास प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने का अधिकार है। अगर फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी फ्रांस में तो सीधे अंदर जाएंगे। हालांकि प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां पर लगे प्रतिबंध का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस की पुलिस उनकी एक नहीं सुन रही। फ्रांस में करीब 5 लाख, अच्छा आप वजह जानना चाह रहे होंगे कि फिलिस्तीन का विरोध क्यों, लड़ाई तो हमास से है, तो फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन निकालने पर रोक क्यों, ये वजह जानना चाह रहे होंगे ना। दरअसल फ्रांस में करीब 5 लाख जीव यहूदी रहते हैं और हाल ही में यहूदियों के खिलाफ बड़ी हिंसा ने फ्रांस को यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। हिंसा बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी समुदायों में, क्योंकि फ्रांस में यहूदी भी हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में आप प्रदर्शन निकालेंगे, फ्रांस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति स्पष्ट कर चुके हैं कि स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि लोग कानूनों का उल्लंघन करें। दूसरी तरफ भारत को देखिए, जहां लगातार इसराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं आज क्या हुआ। जयपुर में जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया जिसमें फिलिस्तीन की आजादी की मांग की गई और इसराइल को एक दहशत गर्द मुल्क बताया गया। अब भारत में भी यहूदी रहते हैं भाई, भारत में भी ज्यूज रहते हैं, इसराइल को आतंकवादी मुल्क बताया जा रहा है, तो जिन्होंने हमला किया क्या वो मासूम है। कल हैदराबाद में भी आपको याद होगा, ये देखिए आप तस्वीरें, ये सब भारत में अलाउड है। हैदराबाद में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने, ये देखिए आप, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन जो किया, लेकिन इस दौरान इसराइल और अमेरिका के झंडों को पैरों के नीचे रौंदा गया। ये देखिए आप तस्वीरें, देखिए आप, कहते ना कभी कभी टू मच ऑफ डेमोक्रेसी का नतीजा होता है, जरूरत से ज्यादा टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की अति, अभिव्यक्ति की अति, देश की क्षति। अभी याद करिए कुछ दिन पहले दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी भी छात्रों ने इसी तरह के प्रदर्शन किए थे, और फ्री गाजा और पता नहीं क्या क्या कई जगह हुआ ये सब। मुंबई में तो इसराइल के झंडों को आग के हवाले कर दिया, ये देखिए आप तस्वीरें, इस पर फिर गिरफ्तारी भी हुई थी, इसराइल के झंडों को आग के हवाले कर दिया गया। कभी कभी लगता है फ्रांस मॉडल हमारे देश में लागू होना चाहिए, इतनी आजादी नहीं होनी चाहिए। आप जो है, जब भारत इसराइल के साथ खड़ा है, मतलब भारत की तरह दुनिया के बाकी देशों में भी इस तरह के प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, और कहीं कहीं तो मामला फिलिस्तीन का साथ देने से आगे निकल कर हमास के समर्थन तक पहुंच चुका है। ऐसे में फ्रांस का मॉडल पूरी दुनिया के लिए एक सबक हो सकता है क्या? फिलिस्तीन और इसराइल के मुद्दे पर दुनिया तो बटी हुई है, लेकिन इसराइल के लोग इस मामले में एकजुट हैं। इसराइल में हुए एक सर्वे में 65% लोगों ने माना कि इसराइल को गाजा में घुसकर हमास के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए आप। लेकिन हमास, हिजबुल्ला, हूथी और ईरान की तमाम धमकियों को दरकिनार कर इसराइल के रक्षा मंत्री ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि अब वो हमास के खात्मे के लिए गाजा की सीमा के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। मतलब ये कि 1400 इसराइलियों के खून का बदला इसराइल की सेना गाजा में घुस कर लेगी। अकरब ये अकरब ममुशाह, अकरब ये अकरब कशे, אנחנו נהיה מדויקים, חדים, קטלניים, אבל יהיו מחירים. אנחנו נשלם מחירים ואנחנו נמשיך עד שנבצע את המשימה במלואה. They behaved like animals hunting other animals, going to target those animals, human animals, whether during the war and after the war, nobody is going to escape.
इसराइल के रुख को देखकर लगता है कि वो गाजा में ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारियां पूरी कर चुका है, लिहाजा गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले इसराइली प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने भी गाजा बॉर्डर पहुंचकर जवानों की हौसला अफजाई की। नेतन्याहू ने सैनिकों से पूछा कि क्या वो तैयार हैं, जिसके जवाब में सैनिकों ने कहा कि वो जीत तक के लिए तैयार हैं। ישראל עומד באחריכם ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון מוכנים? כן! मतलब साफ है कि अब इसराइल गाजा में हमास के घर में घुसकर हमास के आतंकी ठिकानों और उसके आतंकियों का खात्मा करेगा, और इसकी सबसे बड़ी वजह है 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुआ हमास का आतंकी हमला। न्यूज 18 इंडिया की टीम उस जगह पहुंची जहां 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने सबसे बड़ा कत्लेआम मचाया था। किबुत्ज़ रईम के म्यूजिक फेस्टिवल में हमास आतंकियों ने 300 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। उस वक्त यहां पर 3000 लोग पार्टी कर रहे थे। हम वहीं मौजूद हैं, न्यूज 18 इंडिया की टीम हर उस लोकेशन पे पहुंच रही है जो भयावह रात भयावह सुबह की जो दास्तान थी वो आपको बता रहा है न्यूज 18 इंडिया। यहां रेम में इस वक्त हम लोग हैं और एक बार आपको कैमरे के जरिए पूरा ये बड़ा मैदान नुमा जो जगह है वो आपको दिखाते हैं। देखिएगा घिरा हुआ है, यहाँ नोवा पार्टी का आयोजन था, नोवा म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन यहीं था, लोग डांस कर रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे, और सुकोत जो फेस्टिवल होता है ज्यूज का उसकी खुशी मना रहे थे। शनिवार का दिन छुट्टी का दिन था और रात भर लोगों ने पार्टी की थी, लेकिन शनिवार को सुबह यहाँ सैकड़ों की संख्या में बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ मोटरसाइकिल के साथ आतंकी पहुंचते और किस तरह का नर्क यहाँ मचाते हैं वो यहाँ आपको दिख रहा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल के ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होते ही ये जंग लंबी खींचने वाली है, यानी अभी वेस्ट एशिया से तबाही की और तस्वीरें आनी बाकी है। लिहाजा इसराइल के हिजबुल्ला के खिलाफ जबरदस्त हमले की सूरत में ईरान भी लबनन के पक्ष में खुलकर सामने आ सकता है, और तब सीधी लड़ाई ईरान बनाम इसराइल की छिड़ सकती है, जिसका विनाशकारी होना तय है।